बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड डे टू एवरीवन। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। आलू गोश्त मैं मटर में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। आलू गोश्त को मैं क्ले पॉट में बनाऊंगी। क्ले पॉट का अपना ही टेस्ट होता है, सब जानते हैं कि इसमें जो सुंदर सुंदर सा खुशबू होता है और एक डिफरेंट सा फ्लेवर होता है वो सबको भाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मटन लिया है, मटन मैंने 1.5 केजी के करीब लिया है। ये प्याज है मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, ये तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने प्याज लिए हैं। टमाटर हैं दो टमाटर बहुत होते हैं, ज़्यादा इसमें खट्टापन अच्छा नहीं लगता। ऑयल है 1 कप ऑयल है, आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ये रेड चिल्ली है, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, सूखा धनिया, सॉल्ट, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, लौंग है और काली छोटी मिर्च है साबुत वाली और थोड़ा सा जावित्री है। चलिए शुरू करते हैं। मटन को मैं अपने क्ले पॉट में यानी हांडी में डाल दूंगी, कच्ची हांडी है ये, सब जानते हैं ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है खाना बनाने का। 1 कप मैंने घी का यूज़ किया, आप इसमें देसी घी या फिर वेजिटेबल घी का यूज़ कर सकते हैं। ये 1 बंच मैंने इसमें गार्लिक लिए, आप चाहें तो आप बगैर छीले गार्लिक को भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में इसे रिमूव कर देंगे। और ये सब साबुत मसाले हैं, ये सब मसाले जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। टमाटर, ये 2 टमाटर हैं रफली चॉप किए हुए, बहुत बड़े टमाटर नहीं है, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। और ये हमारा प्याज है, 1 पाव के करीब प्याज है जो मैंने ऐड किया है इसमें। और ये गरम मसाला, इसे हम साइड पे कर देंगे, लास्ट में हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए अब हम इसे कुकिंग के लिए स्टोव पे रखेंगे। स्टोव को मैंने ऑन कर दिया है, स्टोव की हीट पहले हम ज़्यादा रखेंगे, बाद में इस हीट को कम करेंगे। मैंने 1/2 कप पानी यूज़ किया है क्योंकि ये क्ले पॉट है, क्ले पॉट में नीचे जैसे ही हीट होगा तो वो पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो नीचे गोश्त के लगने का डर होता है जलने का, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप नहीं भी करेंगे तो भी मटन और प्याज और टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे, जो हमारे गोश्त को गलाने के लिए काफ़ी होगा। ये देखिए अब हम इसको कवर कर देंगे, तब तक हम अपनी बाकी का इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। उसमें कवर आप जिस तरह मर्जी कर लें। ये देखिए मैंने आलू लिए हैं, 1/2 केजी के करीब आलू है, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और आप इसको, मैंने 1 आलू को 8 पीस में कट किया है और थोड़ा सा जिंजर लिया है, ये गरम मसाला है जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे, और 1 से 2 ग्रीन चिल्ली है मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया, और ये थोड़ा सा कोरिएंडर है। जिंजर को हम शुरू में ऐड नहीं करेंगे, जब हमारा मटन गल जाएगा तभी हम जिंजर ऐड करेंगे। जिंजर का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हम उसे लास्ट में ऐड करेंगे। देखिए मटन हमारा तकरीबन गल चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी बाकी है, हम यहाँ पे जिंजर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें अपने जो आलू कट करके रखे हुए हैं वो डाल देंगे। आलू अपनी मर्जी से लेंगे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। जब तक ये पानी ड्राई होगा इतनी देर में हमारे आलू भी गल जाएंगे। अब तेज़ आंच के ऊपर हम फायर को बिल्कुल भी कम नहीं करना है, हाई फ्लेम के ऊपर हम इसे भूनेंगे। तब तक हम इसे भूनेंगे जब तक हमारा ऑयल मटन से सेपरेट नहीं हो जाता। ये ग्रीन चिल्ली है, 1 से 2 ग्रीन चिल्ली के करीब मैं इसमें डालूंगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, या फिर आप अपने हिसाब से स्पाइसी एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली ऐड किया। ये देखिए पानी ड्राई हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ऑयल आ रहा है, हमें ये भूनने में तकरीबन 5 से 7 मिनट जाएगा। जब तक घी सेपरेट नहीं होगा तब तक मैं इसे भूनूंगी। गोश्त को पहले ही बहुत ज़्यादा गला नहीं लेना है कि जैसे हम आलू डालें और वो बिल्कुल घुल जाए, नहीं, इस तरह नहीं करना है, थोड़ा सा बोटी में जान रखेंगे ताकि जब हम आलू डालें, आलू के साथ उसे कुक करें तो हमारे आलू भी अच्छे से गल जाए और हमारा मीट भी अच्छे से टेंडर हो जाए।
देखिए गोश्त अच्छे से भून रहा है। आप इसका जितना भुनाई करेंगे मसालों का, गोश्त का, उसका इतना फ्लेवर निकल के आएगा। देखिए इस तरह से मैं भून रही हूँ और आपको साइड पे नज़र आ रहा है ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डालूंगी। पानी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा मीडियम सा ग्रेवी चाहिए। अगर आप थिक ग्रेवी चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 ग्लास डालिए। मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है। 1 लीटर पानी ठीक है मेरे लिए, आप इसमें कम भी कर सकते हैं। अगर आपको इतना पतला ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी कम कर दीजिए। ये गरम मसाला जो मैंने साइड पे किया था, अभी इस टाइम पे मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। आपने देखा है मैंने जिंजर को बिल्कुल गोश्त के गलने पे डाला है, शुरू में बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि मेरा मटन बिल्कुल फ्रेश था। अगर मेरा मटन जो है वो फ्रीज किया हुआ होता तो मैं मटन के साथ शुरू में डालती ताकि वो हमारी स्मेल ख़त्म करने में हेल्प करता। यहाँ पे हमारा मटन बिल्कुल फ्रेश है इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट में जाके उसको आलू के साथ ही ऐड किया है। आलू हमारे गल चुके हैं अभी और हमारी ग्रेवी भी रेडी है। अब हम इसमें गार्निश के लिए और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कोरिएंडर डालेंगे। लीजिए हमारा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। आप इसे राइस, बॉयल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। नान, नान के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगता है। नान, पराठा, पूरी, आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपने कहाँ पे आलू गोश्त खाया और आपकी किस तरीके से बनाते हैं, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।